ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, कल की क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था। सबसे पहले हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था बेटा, डिमांड क्या होती है, ठीक है, क्या डिमांड क्या होती है, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड क्या होती है बेटा, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय, विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इससे मेन बात क्या निकल के आई, किसके अंदर दो चीजें होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए विलिंगनेस टू बाय, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए एबिलिटी टू बाय। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, क्लियर है क्या। फिर हमने पढ़ा था कि डिमांड कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, एक कौन सी डिमांड होती है बेटा इंडिविजुअल डिमांड, और एक डिमांड कौन सी होती है बेटा तुम्हारी मार्केट डिमांड। आपने लिखा था दो प्रकार की डिमांड होती है, एक होती है आपकी इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है आपकी मार्केट डिमांड। क्या होती है इंडिविजुअल डिमांड और क्या होती है मार्केट डिमांड, मुझे बताओ। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, एक कमोडिटी की एक कंज्यूमर की डिमांड, एक कमोडिटी की एक कंज्यूमर की डिमांड कहलाती है इंडिविजुअल डिमांड, और एक कमोडिटी की सारे कंज्यूमर्स की डिमांड क्या कहलाती है बेटा मार्केट डिमांड। कोई डाउट है क्या। अच्छा, तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मार्केट डिमांड में क्या पढ़ा था आपने, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कंज्यूमर दैट ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इंडिविजुअल डिमांड में क्या था अ कंज्यूमर, और मार्केट डिमांड में क्या था ऑल कंज्यूमर्स, ये फर्क था। क्लियर है क्या, ये हम पढ़ चुके थे, रिवाइज करा रहा हूं अभी सब। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे बेटा, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, क्या पढ़े थे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, बोले तो वो बातें, कौन सी बातें, वो बातें जिनके कारण डिमांड में फर्क पड़ता है, कौन सी बातें, वो बातें जिनके कारण डिमांड में फर्क पड़ता है। इसमें पहली चीज क्या थी, प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, क्या थी, क्या थी प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी क्या होती है कम होती है ना, तो ये होता है प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। ये रिलेशनशिप कैसा होता है इनवर्स, रिलेशनशिप कैसा होता है बेटा इनवर्स। दूसरा क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक गुड्स के दो रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। याद है, याद है, याद है, कल पढ़ाया था, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट, एक के बदले में यूज होने वाले गुड्स, कौन से एक के बदले में यूज होने वाले गुड्स कहलाते हैं क्या बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक के साथ में यूज होने वाले गुड्स कहलाते हैं क्या बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि चाय और कॉफी, ये क्या है बेटा आपस में सब्स्टिट्यूट, क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन चाय और मिल्क ये आपस में क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, या चाय और शुगर ये आपस में क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है क्या, एक के बदले में यूज होने वाले गुड्स, ठीक है, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सब मेरा, याद है क्या। तो ये कौन से गुड्स है बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स, और साथ में यूज होने वाले गुड्स यानी कि चाय और सॉरी शुगर, क्या बात समझ में आ रही, पेन और इंक, ये कौन से गुड्स होते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ी तो मेरे गुड की डिमांड भी क्या हो जाती है बढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा डायरेक्ट रिलेशनशिप, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ी तो मेरे गुड की डिमांड भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री केस में क्या होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ी तो मेरे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, मैंने कल पढ़ाया था आपको, याद है क्या, अगर इंक महंगी हो गई तो आदमी इंक पेन भी नहीं खरीदेगा, तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ी तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया है, हाँ ना बोलो यार। फिर हमने क्या पढ़ा था, इनकम ऑफ दी कंज्यूमर, क्या पढ़ा था इनकम ऑफ दी कंज्यूमर, इनकम के कारण डिमांड में भी फर्क पड़ता है। इसमें दो प्रकार के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स यानी नॉर्मल क्वालिटी के गुड्स, कौन से नॉर्मल क्वालिटी के गुड्स, और अगर इंफीरियर गुड्स की बात करूं तो क्या होंगे बेटा लो क्वालिटी गुड्स, क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा लो क्वालिटी गुड्स। क्लियर है क्या, अगर नॉर्मल गुड्स है इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, किसके केस में नॉर्मल गुड्स के केस में। क्लियर है क्या, और इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, इनकम बढ़ेगी डिमांड कम होगी। तो नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा रिलेशनशिप है डायरेक्ट, नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा रिलेशनशिप है डायरेक्ट, और इंफीरियर गुड्स के केस में कैसा रिलेशनशिप है इनवर्स। क्लियर है और क्लियर है बोलो। तो नॉर्मल गुड्स के केस में होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, और इंफीरियर गुड्स के केस में होता है कैसा बेटा इनवर्स रिलेशनशिप।
तो हमने पढ़े तीन प्रकार के, एक था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनवर्स रिलेशनशिप याद है क्या, फिर हमने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्या पढ़ा क्या पढ़ा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसके अंदर दो कौन कौन, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट में कैसा डायरेक्ट, सब्स्टिट्यूट में कैसा डायरेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा इनवर्स, याद है। इनकम में दो कौन कौन से, नॉर्मल और इंफीरियर, नॉर्मल में कैसा डायरेक्ट और इंफीरियर में कैसा इनवर्स, इतना याद आया क्या। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डिमांड बढ़ेगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बेटर होगा तो डिमांड बढ़ेगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम होगा तो डिमांड कम होगी। फिर हमने पढ़ा डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, जिसके कारण पूरी मार्केट की डिमांड में फर्क पड़ता है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड क्या होगी कम। सीजन एंड वेदर, अगर हमारे गुड़ का सीजन है, अगर हम एसी बेचते हैं और गर्मी है तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर हम एसी बेचते हैं और ठंडी है तो डिमांड क्या होगी कम होगी, तो सीजन एंड वेदर। और तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, याद है याद है याद है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, याद करो कल पढ़ाया था, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी डिमांड बढ़ेगी कंज्यूमर गुड्स की, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी डिमांड बढ़ेगी बेटा लग्जरी गुड्स की, ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, क्लियर है क्या। अब इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा नए कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियर है ऑल, क्लियर, फटाफट बोलो। चलो आओ देखो, हमने क्या पढ़े, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब क्या होता है, वो बातें जिनके कारण डिमांड में फर्क पड़ता है। मुझे बताओ डिमांड में फर्क पड़ता है किस किस से, प्राइस ऑफ दी कमोडिटी से, रिलेटेड गुड्स की प्राइस से, इनकम ऑफ दी कंज्यूमर्स, इन सब से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इन सब से हमारे गुड की डिमांड में फर्क पड़ता है। सबसे मेन जो होता है वो कौन होता है बेटा, प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, क्या होता है क्या होता है, प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, इसका मतलब क्या होता है, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मेरा जो प्रोडक्ट है, मान के चलो मैं चाय बेचता हूँ, उसे ऐसा होना, मैं क्या बेचता हूँ बेटा चाय, है ना, चाय बेचने वाले का मजाक नहीं उड़ाना, क्या पता कब प्रधानमंत्री बन जाए, क्लियर है क्या, है ना। तो अगर मान के चलो बेटा मैं क्या करता हूँ, चाय बेचता हूँ क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री बनना है इसलिए बेचता हूँ, ठीक है क्या। तो अगर कोई इंसान चाय बेचता है और चाय महंगी हो जाए, चाय क्या हो जाए, महंगी हो जाए, तो चाय की डिमांड का क्या होगा मुझे बताओ, कम हो जाएगी, बात समझ में आ रही है क्या, अगर चाय महंगी हो जाए तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, क्लियर है क्या, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और इसी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड, इसी को क्या कहा जाता है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, क्या 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 क्या, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन हु, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर कोई चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड कम होगी, अगर कोई चीज सस्ती होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, लॉ ऑफ डिमांड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप, क्लियर है क्या। इसका एक अजम्पशन होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, क्या अजम्पशन होता है, क्या मतलब है अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट का, जब आप प्राइस के बारे में पढ़ रहे हो, सुनना 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 ओम भैया सुनो, अगर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइस के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइस के बारे में, तो अदर थिंग्स में क्या आ जाएगा बेटा, इनकम, टेस्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन सबको क्या माना गया है, कॉन्स्टेंट, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्राइस बढ़ी और साथ में इनकम भी बढ़ गई तो डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, ठीक है, लेकिन साथ में क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट यानी कि इनकम, टेस्ट, रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट, बाकी सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको क्या बोला जाता है, सेट्रिस पेरेबस, क्या कहा जाता है बेटा, सेट्रिस पेरेबस, व्हाट डू यू मीन बाय सेट्रिस पेरेबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट को खतरनाक भाषा में बोल दिया गया, सेट्रिस पेरेबस, क्लियर या ऑल क्लियर। तो अगर लॉ ऑफ डिमांड सुनना देखना चाहते हो तो कहां लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड, तुमको ये वाले नोट्स भी दे दूंगा मैं, हाँ, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड इट्स डिमांड फॉल्स एंड व्हाइल डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इट्स डिमांड राइजेस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, इसको क्या कहा गया, सेट्रिस पेरेबस, इसको क्या कहा गया बच्चे, सेट्रिस पेरेबस, आया है कि नहीं आया, सबने फटाफट बोलो, अरे हाँ ना बोल यार, पक्का, ठीक है क्या। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी कम होती है, प्राइस कम होती है क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है क्या। तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड,
क्लियर है क्या? अब मुझे एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, आप मुझे एक चीज बताना, ठीक है क्या? फॉर एग्जांपल बेटा मेरा कोई भी एक प्रोडक्ट है एक्स, मेरा कोई भी एक प्रोडक्ट क्या है बेटा एक्स, तो एक्स ना लेके नाम दे देते हैं प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल क्या है, चलो अमूल बटर है, क्या है बेटा अमूल बटर, इसकी प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बोलो ना, प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अच्छा प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्लियर है क्या? ठीक है, अगर क्वांटिटी बढ़ गई तो प्राइस क्या होगी, अगर क्वांटिटी बढ़ गई तो प्राइस क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना? प्राइस बढ़ी क्वांटिटी कम, प्राइस कम क्वांटिटी बढ़े, तो क्वांटिटी बढ़ी तो प्राइस क्या होगी, कम होगी, है ना? नहीं, गलत, अगर प्राइस क्वांटिटी बढ़ी तो प्राइस भी क्या होगी, बढ़ेगी। सुनना ध्यान से, आपको किताबों में क्या सिखाया जाता है प्लीज यहां देखना, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट बेटा, प्राइस एंड डिमांड, इनवर्स रिलेशन व्हाट बेटा, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं डिमांड बढ़ गई है, मैं कोई एक प्रोडक्ट बेचता हूं अमूल प्रोडक्ट बेचता हूं, सब लोग उसको खरीदने आ रहे हैं, बहुत दुकान में हर कोई खरीदने आ रहा है, भीड़ लग गई है मेरी दुकान में खरीदने वाली, बताओ मैं प्राइस बढ़ाऊंगा कि कम करूंगा, बढ़ाऊंगा कि कम करूंगा, कम करूंगा क्या? अगर कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदने ही नहीं आ रहा, डिमांड बहुत कम हो गई है, कोई झकने भी नहीं आ रहा मेरे बिजनेस में, तो बताओ क्या होगा, क्वांटिटी बहुत कम हो गई है तो प्राइस क्या होगी, प्राइस क्या हो जाएगी, कम। बात समझ में आ रही है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड तो बता दिया, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड तो बता दिया, पर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस नहीं बताया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए ये लॉ ऑफ डिमांड का ड्रॉबैक भी होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? ड्रॉबैक। ये वन साइडेड होता है, ये प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताता है, किसका किसका किसका, प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बताता है, पर ये डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप नहीं बताता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, सुन रहे हो, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, पर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, कोई डाउट है क्या, बोलो। चलो तो ये हमने पढ़ा दिया तुमको क्या बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये तो मैंने आपको इतना इंपॉर्टेंट जितना था मेन मेन मैंने आपको बता दिया है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है क्या? अच्छा अच्छा बताओ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है कि क्वांटिटेटिव होता है? लॉ ऑफ डिमांड की मैं अगर तुमसे बात करूं तो मुझे बताओ क्या होता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव क्या होता है? हाँ जी, क्वालिटेटिव, जो लगे वो बोलना है, दूसरे का सुन के नहीं बोलना, मैं क्यों पूछ लूंगा, ठीक है क्या, है ना? अगर लग रहा है क्वांटिटेटिव तो बोलो क्वांटिटेटिव, प्राइस बढ़ी डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ी, ये क्वालिटी है कि क्वांटिटी है, क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव बताएंगे? हाँ क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्यों क्वालिटेटिव, क्यों क्वालिटेटिव? प्राइस बढ़ी डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ी, मैं तो ये बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ प्राइस बढ़ी डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुई, तो क्यों क्वालिटेटिव? हाँ वो हाँ, तो इनवर्स रिलेशनशिप एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, एक चीज कम हो रही है एक चीज बढ़ रही है, तो उसमें क्वालिटी कहां से आ रही है? तो उससे क्या होता है, इट इज क्वालिटेटिव, इट इज व्हाट बेटा, क्वालिटेटिव, लेकिन कारण जो तुम बोल रहे हो वो सही नहीं है, क्वालिटेटिव क्यों है, ये क्या बताता है, प्राइस बढ़ती है डायरेक्ट डिमांड कम होती है, फिर क्या बता रहा है, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है, इट शोज द डायरेक्शन, इट शोज द डायरेक्शन, ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, क्या उसने ये बताया प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कितनी कम होगी? अरे बोलो ना यार, क्या उसने ये बताया प्राइस कम होने के कारण डिमांड कितनी बढ़ेगी? बात समझ में आ रही है? तो उसने क्या बताया, प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड क्या होगी, कम, प्राइस कम होने के कारण डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, इट शोज द डायरेक्शन नॉट द मैग्नीट्यूड, ये लाइन है हमेशा से, क्या क्या, इट शोज द डायरेक्शन नॉट द मैग्नीट्यूड, उसने ये बताया कि प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम होगी, अरे कितनी कम होगी,
प्राइस कम होने के कारण डिमांड बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ डिमांड का वो क्या कहते हैं इसको, क्वालिटेटिव होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है बेटा, क्वालिटेटिव। क्यों क्वालिटेटिव, इट शोज द डायरेक्शन नॉट द मैग्नीट्यूड। वो ये नहीं बताता कितनी बड़ी और कितनी कम हुई, बस ये बताता है बड़ी और कम हुई। क्लियर है या ऑल क्लियर है, फटाफट बोल दो, आया कि नहीं आया? आया ठीक है चलो। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एक बार देख लेते हैं। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, एक्सेप्ट जहां जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है, बोलो हाँ या नहीं? जब ऐसा ना हो, जब क्या हो, क्या ऐसा ना हो, ऐसा ना हो मतलब प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम ना हो, प्राइस बढ़े और उल्टा डिमांड भी बढ़ जाए। बात समझ में आ रही है, मतलब प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम ना हो और प्राइस कम होने के कारण डिमांड ना बढ़े, तो ये क्या है बेटा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। ये क्या है बेटा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वो बातें कौन सी बातें, वो बातें जहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा बेटा, फेल। लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा बेटा, फेल, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है, ऑल क्लियर है, ठीक है क्या? तो इसमें सबसे पहले क्या आता है तुम्हारा, स्टेटस सिंबल गुड्स। कौन से आते हैं बेटा, स्टेटस सिंबल गुड्स या गुड्स ऑफ ऑस्टिनेशन। इसका मतलब क्या है सुनना ध्यान से, जैसे कि मान के चलो आईफोन, ठीक है क्या? अब आईफोन मान के चलो 7 है, फिर 12 है, फिर 13 है, 13 प्रो है, 13 प्रो मैक्स है ना, प्रो प्रो मैक्स नहीं निकाला, अच्छा हुआ इन लोगों ने, क्या बात समझ में आ रही है? ये अलग अलग आईफोन से, क्लियर है क्या? तो ये सिर्फ एक आज की डेट में ये सिर्फ मोबाइल की तरह यूज नहीं होते, ये मोबाइल की तरह यूज नहीं होते, ये मोबाइल के साथ साथ कैसे यूज होते हैं, स्टेटस सिंबल के लिए भी यूज होते हैं, क्या बात समझ में आ रही है? देखा मेरे पास तो 12 है, अच्छा मेरे पास तो 13 है, अच्छा तेरे पास 13 है, मेरे पास तो 13 प्रो है, अरे तेरे पास 13 प्रो है, मेरे पास तो 13 प्रो मैक्स है, क्या बात समझ में, लड़ाई चल रही है इस चीज की। तो ये क्या है, जितना महंगा उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होती जा रही है, समझ आ रही है? तुम 10,000 15,000 वाले एमआई फोन की डिमांड नहीं होती इतनी, क्योंकि लोग उसको स्टेटस सिंबल नहीं समझते, क्या समझ आ रही है? अगर तुम एमआई खरीदने जाओगे तुमको 10 की जगह 18 का पड़ेगा, बोलोगे अरे यार इतना महंगा, कोई 12-15 वाला दिखा, क्योंकि उसको तुम फोन की तरह ही खरीद रहे हो, फोन को फोन की तरह ही खरीद रहे हो। ओप्पो कोई भी फोन खरीदने जाओगे तो उसको तुम खरीद रहे हो फोन के नजरिए से कि ये फोन है और इसमें जिसमें फीचर अच्छे वो ले लोगे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन जब तुम आईफोन खरीदने जाओगे तो तुम उसको फीचर फिर तो देखोगे ही देखोगे, साथ में स्टेटस सिंबल भी उसके साथ जोड़ दिया गया है, जितना महंगा उतना अच्छा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उसकी डिमांड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जो चीज स्टेटस सिंबल होती वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, जितनी महंगी होती जाती है डिमांड उसकी उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि महंगे से महंगा खरीदने की कोशिश करता है अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इंसान, बड़ा नालायक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलना यार। अच्छा मुझे बताओ, सिल्वर अच्छा कि गोल्ड, गोल्ड अच्छा कि डायमंड, डायमंड अच्छा कि प्लैटिनम, फर्क भी नहीं पता होगा तुमको इन सबका, लेकिन फिर भी गोल्ड डायमंड प्लैटिनम क्यों, क्योंकि क्या है पता है कि गोल्ड से महंगा क्या है, डायमंड, गोल्ड की रिंग है डायमंड, अरे डायमंड डायमंड प्लैटिनम अच्छा ये वो और कुछ निकाल देंगे अपने आपके लिए एक्सक्लूसिव, ठीक है। एक्सक्लूसिव एडिशन आता है गाड़ियों का, एक्सक्लूसिव एडिशन आता है फोनों का, ठीक है। आईफोन गोल्ड एडिशन लिमिटेड आए 30,000 रुपए प्राइस बढ़ा दी, कार आई है लिमिटेड एडिशन 25,000 प्राइस बढ़ा दी, 50,000 प्राइस बढ़ा दी, क्यों बढ़ा दी, आपको आपको एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए, उसकी डिमांड क्या हो जाती है और बढ़ जाती है। तो जहां स्टेटस सिंबल के लिए चीजें खरीद जाएगी वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का पहला क्या है, गुड्स विद स्टेटस सिंबल, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो ना यार, नहीं आया कि आया है, ठीक है क्या? दूसरा क्या, मैं अपने अपने सीक्वेंस में बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा, दूसरा क्या है तुम्हारा, फैशन रिलेटेड गुड्स। कौन सा रिलेटेड गुड्स बेटा, फैशन। अब फैशन रिलेटेड गुड्स में क्या होता है, मान के चलो बेटा एक दुकान में क्या लगी, सेल लगी, दुकान में क्या लगी, सेल, ये बढ़िया बढ़िया इतने बड़े बड़े बेल बॉटम मिल रहे हैं, क्या बात समझ में आ रही है, बेल बॉटम वाले पैंट मिल रहे हैं, पीली कलर की शर्ट फूल फूल वाली, क्या बात समझ में आ रही है ना, मात्र 200 रुपए में, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे जाके, बोलोगे अरे आउट ऑफ फैशन हो गया, कौन खरीदता है, क्या बात समझ में आ रही, भले सस्ता मिल रहा है पर तुम नहीं खरीदोगे, उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो चीज क्या हो चुकी है, आउट ऑफ फैशन, क्या बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान के चलो वही चीज दो तीन हीरो लोग पहन के आ जाए पिक्चरों में, क्या बात समझ में आ रही है, तो फिर उसकी प्राइसेस भी 4 गुना बढ़ जाएंगे, तब भी डिमांड क्या हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि वापस से कायम आ गया है, फैशन में आ गया है, क्या बात समझ में आ रही है। तो जो फैशन में आ जाता है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। क्लियर है, ऑल क्लियर है, फटाफट बोलो। तीसरा क्या है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब मान के चलो दवाई है,
कोई इंसान मरने वाला है, क्या बात समझ रही है? और दाम क्या हो गया, बढ़ गया दवाई, क्या बोलोगे भाई रुक जा अभी थोड़े दिन रुक जा, डिमांड कम हो जाए तब दवाई खिलाऊंगा, ऐसा करोगे क्या? मर जान दोगे क्या इंसान को? नहीं, जो चीज नेसेसिटी है वो चीज नेसेसिटी है। नमक है बेटा सस्ता हो गया तो क्या मुट्ठी भर के डालोगे, सस्ता है डिमांड बढ़ा दी ले डाल नमक ही डाल रहे मुट्ठी भर भर के, ऐसा करोगे क्या? नहीं, जो चीज नेसेसिटी है वो चीज नेसेसिटी है, प्राइस बढ़े चाहे कम हो डिमांड उतनी रहेगी जितनी है। क्लियर या ऑल क्लियर? नहीं आया कि आया, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, इग्नोरेंस। उसके बाद क्या है बेटा, ठीक है, क्या इग्नोरेंस क्या होता है? सुनना ध्यान से, सुन रहे हो? मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि जा बेटा प्याज ले आना, क्या बोला? जा बेटा प्याज ले आना। मैं गया प्याज लेने, प्याज वाले को बोला ये प्याज कैसे दिया? उसने बोला 30 रुपए किलो। मैंने कहा अरे बाप रे इतने सस्ते, 10 किलो तोल दो। 10 किलो लेके गया, मम्मी को बोला मम्मी बहुत सस्ते प्याज खरीद क्या हो 30 रुपए किलो। मम्मी बोलती नलायक 5 रुपए किलो चल रहे, 30 रुपए किलो खरीद के लाया, 10 रुपए किलो चल रहे, 30 रुपए किलो प्याज खरीद के लाया, कहां का नलायक है तू बताओ। महंगे भी मैंने डिमांड क्या कर ली, ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैं कैसा कंज्यूमर हूं, इग्नोरेंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहली बात तो प्रिवेलिंग प्राइसेस का ही पता नहीं है, दूसरी बात क्या है कि फर्क ही नहीं पड़ता। शाहरुख खान डिमांड प्याज खरीदने जाएगा तो क्या बोलेगा, ओ माय गॉड ठीक है क्या इतने इतना कर दो। क्लियर है क्या? तो जब आप प्रिवेलिंग प्राइस के इग्नोरेंट हो, सुन रहे हो क्या, प्रिवेलिंग प्राइस की क्या हो, इग्नोरेंट हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है तो क्या हो जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगी। क्लियर या ऑल क्लियर? अरे बोलो यार, फियर ऑफ शॉर्टेज। क्या क्या क्या? फियर ऑफ शॉर्टेज। जब पैंडेमिक आया, लॉकडाउन की घोषणा हुई, पता चला जब पहला पैंडेमिक आया था, देखा था सब लोगों ने किराने दुकानों में भीड़ लगा दी थी, सब लोगों ने किराने दुकान में क्या कर दी थी, भीड़ खरीद खरीद के रख लो, क्या पता क्या होने वाला, कब तक दुकान ना खोले, कब तक माल मिले, कब तक ना मिले, तो सबने भरना चालू कर दिया था। क्या बात समझ रही है? उस समय अगर आपको दुकानदार महंगा भी दे रहा था तो क्या सोच रहे थे कि महंगा एक तो कम खरीदे, या फिर भी ज्यादा ज्यादा खरीदे पड़े थे, फिर भी पहले के खरीदने पड़ते सब लोग? क्यों? क्योंकि फियर ऑफ क्या था, शॉर्टेज, कि भाई खत्म ना हो जाए, भले महंगा मिल रहा है ले ले, लेकिन कम से कम होना तो चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? जब आपके मन में शॉर्टेज का डर सताए, रात को नींद ना आए, किस बात के कारण? फियर ऑफ शॉर्टेज के कारण, कि हे भगवान ये सामान खत्म ना हो जाए, इसलिए आप क्या करोगे उसको पहले ही ज्यादा खरीद लोगे, तो वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। आया है कि नहीं आया है? तो कहां कहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, स्टेटस सिंबल गुड्स। दूसरा क्या है, फियर ऑफ शॉर्टेज। तीसरा क्या है, इग्नोरेंट। चौथा क्या है, फैशन रिलेटेड गुड्स। पांचवा क्या है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। फिर क्या है, चेंज ऑफ वेदर। अभी बारिश आएगी, बारिश आएगी, देखना क्या हो जाएगा, रेनकोट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, छाते के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर भी डिमांड उसकी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो उसकी रिक्वायरमेंट है। बोलो हाँ या नहीं? गर्मी में एसी महंगे मिलते हैं, लेकिन फिर भी इंसान क्या करता है, खरीदता है। अगर वेदर आपके हिसाब का है तो भले ही महंगा हो, डिमांड फिर भी उसकी क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है क्या? तो वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। क्लियर है, ऑल क्लियर? अरे बोलो यार, तो क्या क्या है बताओ मुझे, स्टेटस सिंबल गुड्स, फियर ऑफ शॉर्टेज, इग्नोरेंस, फैशन रिलेटेड गुड्स, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और चेंज इन वेदर। ये 6 पॉइंट होते हैं आपके काय के बेटा, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक पॉइंट और बचा है, गिफेन गुड्स। क्या बचा है, गिफेन गुड्स। सुनना ध्यान से, बताऊं क्या गिफेन गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स। गिफेन गुड्स क्या होते हैं बेटा, इंफीरियर। सुन रहे हो, गिफेन गुड्स कौन से होते हैं? लेकिन सारे इंफीरियर गुड्स गिफेन गुड्स नहीं होते। एक अंकल थे सर रॉबर्ट गिफेन। कौन थे सर रॉबर्ट गिफेन, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। उनने कुछ लिमिटेड गुड्स बताए थे कि वो इंफीरियर गुड्स, क्या क्या क्या, वो इंफीरियर गुड्स जिसमें इंसान की मेजर इनकम स्पेंड होती है, जिसमें इंसान मेजरली रिलाय करता है, ठीक है क्या, तो वो इंफीरियर गुड्स जिसमें इंसान की मेजर इनकम इन्वेस्ट होती है, वो इंफीरियर गुड्स क्या कहलाते हैं, गिफेन गुड्स। इनके लिए, इसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दी थी, ब्रेड एंड मीट थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी थी बेटा, ब्रेड एंड मीट थ्योरी। ब्रेड एंड मीट थ्योरी क्या बोलती थी, उनने एक गांव को, विदेश के एक गांव को स्टडी किया, वहां उन्होंने ये देखा कि जब मीट के प्राइसेस बढ़ रहे थे, जब मीट के प्राइसेस, सॉरी जब ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, क्या बात समझ आ रही है, ब्रेड यानी हमारे लिए रोटी समझ लो, क्या बात समझ आ रही है, अगर ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे थे जब, तो लोगों ने ब्रेड की डिमांड कम नहीं करी, लोगों ने क्या किया, मीट की डिमांड कम करी और बदले में ब्रेड की डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी। समझ रहे हो क्या? फिर से बोलता हूं, ब्रेड है मीट है, क्या क्या है, ब्रेड है मीट है। महंगा क्या हो रहा था, ब्रेड। महंगा क्या हो रहा था, ब्रेड। तो ब्रेड महंगा हो रहा था, उनने ब्रेड की डिमांड कम नहीं करी, उनने मीट का कंजम्पशन कम किया और उस पैसे से भी क्या खरीदी, ब्रेड खरीदी। क्यों? क्योंकि ब्रेड एक मेजर एसेंशियल थी, दूसरी ब्रेड
फिर भी सबसे सस्ती थी। क्या बात समझ में आ रही है? ब्रेड और मीट के मुकाबले ब्रेड कितनी महंगी हो जाए फिर भी वो क्या रहेगी? सस्ती रहेगी। किसके मुकाबले? मीट के मुकाबले। तो जब ब्रेड महंगी हो रही है तो आदमी ब्रेड की डिमांड कम नहीं करता, मीट की डिमांड करके उल्टा क्या कर देता है? ब्रेड की डिमांड बढ़ा देता है। एग्जाम्पल देता हूं, हमारे शहर देश में रोटी, रोटी एक बेसिक फूड आइटम है। अगर रोटी महंगी हो जाएगी, गेहूं महंगी हो जाएगी, अनाज महंगा हो जाएगा, तो आप अनाज की डिमांड कम नहीं करोगे, आप वेजिटेबल्स और एक्स्ट्रा चीजों की डिमांड क्या करोगे? कम करोगे, और बदले में इसकी डिमांड क्या हो जाओगे? बढ़ा दोगे, क्योंकि ये इंपीरियर है। महंगा होने के बाद भी रोटी सबसे सस्ती है, यही तो बोला जाता है। अरे हाँ बोलो या नहीं बोलो यार, नहीं आया क्या? आया है पक्का। तो ब्रेड एंड गिफिन गुड्स क्या बोलते हैं? वो इंफीरियर गुड्स। कौन से इंफीरियर गुड्स? वो इंफीरियर गुड्स जिसमें कंज्यूमर अपनी मेजर इनकम स्पेंड करते हैं, कंज्यूमर अपनी मेजर इनकम स्पेंड करता है, जिसमें वो मेजरली रिलाय करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गिफिन गुड्स। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गिफिन गुड्स या इंफीरियर गुड्स। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है? फेल। इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है? फेल। क्लियर या ऑल क्लियर? तो कौन कौन से एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है? गिफिन गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स, फियर ऑफ शॉर्टेज, इग्नोरेंस, फैशन रिलेटेड गुड्स, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और चेंज इन वेदर। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का? ये वाली फाइल मैं आपको ऐप में अपलोड करवा दूंगा, ऐप डाउनलोड करने का प्रोसीजर बता दूंगा, लेकिन इसमें सारी चीजें मत पढ़ना, क्योंकि ये 11th के हिसाब से बनाया गया है फाइल। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें जो जो मैंने पढ़ाया है उतना उतना रीड कर लेना, और उसके बाद आपकी मॉड्यूल से भी मैं आपको रीड करा दूंगा, तो आपका हो जाएगा अच्छे से। क्लियर है क्या? ठीक है क्या? तो जो जो जैसे मैंने बीच बीच में कुछ कुछ छुड़वा रहा हूँ, जैसे कि क्या है आगे तुम पढ़ोगे, मैंने ये छुड़वाया है, क्या कहते हैं ये वाले पॉइंट्स का, ये डिमांड तो पढ़ाऊंगा अभी, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड छुड़वाए हैं, क्योंकि तुम्हारी बुक में नहीं थे इसलिए मैंने उसको अभी छुड़वा दिया, अगर क्वेश्चंस आएंगे तो पढ़ा भी दूंगा। क्लियर है क्या? एक्सेप्शंस मैंने पढ़ा दिए, ये रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये बस मैंने छुड़वाया अभी, ये तुम्हारी बुक में मेरे को नहीं दिखे, अगर दिखेंगे तो मैं करा दूंगा। चलेगा क्या? फटाफट बोलो यार, बोलो। ठीक है, अब आते हैं अपन किसमें आगे बढ़े, कि दो मिनट का ब्रेक चाहिए, दो मिनट चाहिए। एक काम करो, इसको नजर मार लो पूरा, दो मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पानी बॉटल रखिए किसी के पास, दे दो भाई, धन्यवाद। गिफ्ट गुड्स में डिमांड फॉल होने का, जैसे कि नहीं, गिफ्ट गुड्स में नॉर्मली डिमांड राइज होने का ही मुद्दा रहता है ना। गिफ्ट गुड्स बताए उसके हिसाब के कि इंफीरियर गुड्स है, प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। प्राइस कम होने के कारण डिमांड फॉल होगी, वो थ्योरी है ही नहीं। थ्योरी यही है कि लॉन्ग डिमांड का फेल होना, अगर प्राइस बढ़ी और डिमांड कम नहीं हुई तो भी तो लॉ ऑफ डिमांड फेल ही हो गया ना, भले गिरने पे नहीं हो रहा है लेकिन बढ़ने पे तो हो रहा है, इसलिए वो एक्सेप्शन में आता है। नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड भी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि वो इंफीरियर गुड्स है। प्राइस कम होगी तो डिमांड उसकी फॉल नहीं होगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी। फिर भी क्या बात समझ में आ रही है? वो होता है। क्लियर है क्या? चले आगे बढ़े, बोलो। अरे बोलो यार, इतने परेशान क्यों? जीवन में दुख है क्या? हाँ, क्या दुख है? ठीक है चलो। तो दो प्रकार की दो बातें होती है, एक बात होती है आपकी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या क्या क्या? एक होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और एक चीज होती है चेंज इन डिमांड, क्या 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 क्या? एक होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और एक चीज क्या होती है बेटा? चेंज इन डिमांड। आप मुझे बताएंगे क्या फर्क है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में और चेंज इन डिमांड में, बताओ। बोलो 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 बोलो, क्या फर्क है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में और चेंज इन डिमांड में? वो फाड़ रही नालायक बैठ के, बताओ। नहीं पता? नहीं पता तो नहीं पता बोलो, नहीं पता, नहीं पता, मैं बताता हूँ, मैं सारू। ठीक है, तो हमने पढ़े फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, क्या पढ़े, क्या पढ़े? वो बातें जिनके कारण डिमांड में फर्क पड़ता है। कौन सी वो बातें जिनके कारण डिमांड में फर्क पड़ता है? प्राइस, रिलेटेड गुड्स के अंदर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या बात समझ में आ रही है? प्राइस को बोला गया लॉ ऑफ डिमांड,
अगर प्राइस के कारण डिमांड में चेंज आता है, यहां देखो यहां देखो यहां देखो, अगर प्राइस के कारण यानी मेरे गुड की प्राइस के कारण अगर डिमांड में चेंज आता है तो कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या कहलाता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस यानी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस या मेरे गुड की प्राइस के अलावा किसी भी कारण से अगर डिमांड में चेंज आता है तो वो कहलाता है चेंज इन डिमांड। क्या कहलाता है? चेंज इन डिमांड। एक बार फिर से बोलता हूं, जब मेरे कमोडिटी की प्राइस के कारण मेरे गुड की डिमांड में चेंज आता है तो वो कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब अदर फैक्टर्स की डिमांड के कारण डिमांड में चेंज आता है तो वो क्या कहलाता है? चेंज इन डिमांड। क्लियर है क्या? तो एक चीज होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक चीज होती है चेंज इन डिमांड। क्लियर है क्या? मुझे लगता है इसकी डिटेलिंग आज अपन पूरी नहीं कर पाएंगे, तो कल एक साथ अपन एक ही लाइन में पूरा ये शुरू करेंगे और इसको खत्म करेंगे। चलेगा क्या?